बिजनेस में ना जो व्यक्ति ये सोचता है कि मतलब इन नेगेटिव जोन, मैं देख रहा हूँ कि अगला समय पे तुम्हारा साढ़े साती आ रहा है या ढैया आ रहा है, या सोचो लग्न राशि से द्वादश में कोई बड़ा प्लानेट शनि और बृहस्पति चल रहे हैं, जैसे कुंभ राशि का द्वादश में चल रहे हैं, इन द लॉस हाउस में चल रहे हैं, या शनिदेव अभी वृश्चिक राशि वाले को आगने अगला 6 महीना के बाद ढैया देने वाले हैं, नेचुरली उसमें क्या होगा कि तुम कोई भी चीज़ में अभी इन्वेस्ट कर दिया या बड़ा खर्चा कर दिया और आगे चल के देखा कि सेकंड हैंड बेचोगे तो भी अच्छा दाम नहीं मिलेगा। मतलब लाख का चीज़ अगर को बोलोगे 20,000 में ले जाओ तो आदमी वो भी नहीं लेने के नहीं लिए तैयार लेगा। होगा, और पका गिरा है, गिर गया वो तो तुम्हारा तो ब्लॉक हो गया ना, फिर तुम क्योंकि रिटर्न नहीं आ रहा है तो तुम्हें आगे चल के इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसे तो शनि का ढैया है और साढ़े साती में ये जो पीरियड रहता है वो पीरियड ऐसे ही आदमी डिप्रेशन, साइलेंस, डिटैच, इस प्रकार का एटीट्यूड बनता है। और जब अब तुम फील भी कर लोगे कि हाँ मैं कोई भी काम पे जाता हूँ तो वहाँ वहाँ ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो इस समय इन्वेस्टमेंट पे भी बिजनेस के बारे में सोचना भी महामूर्खता है। और एक दिमाग लगा सकते हो हमेशा कि नो इन्वेस्टमेंट में मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, तो वो जो नो इन्वेस्टमेंट है और उसमें भी तुम्हारा सुइटेबल बिजनेस हो कि तुम्हें जहाँ इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट हो। जैसे तो आप गारमेंट में इंटरेस्टेड हो, डिजाइनिंग एंड ये इंटरेस्टेड हो, और मिथुन राशि है, शुक्र कारक भी हैं तो शुक्र का बिजनेस तो जमेगा, ठीक है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर शुक्र के साथ बुध भी बैठा है तो बुध भी बिजनेस का कारक है, तो बुध और शुक्र का रिलेटेड बिजनेस। लेकिन ये भी देखना है कि वो किस प्लान घर पे बैठे हैं, एनिमेटिक हाउस में बैठा है, ठीक है, तो फेवरेबल हाउस पे तो नहीं बैठा है, एनवायरमेंट तो फेवरेबल नहीं है, दिशा कौन सा है, पूर्व और दक्षिण का दिशा दिखा रहा है, तो साउथ जोन ठीक है, तुम साउथ पे गई थी तो वो ठीक है, लेकिन वहाँ उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो आके पूर्व दिशा में बैठा है। मतलब तुम्हारा बिजनेस जिसको मैं दक्षिण दिशा कहूँगा, वृष राशि की वृष लग्न के अनुसार और जहाँ पर वो तुम्हारा बिजनेस हाउस दिखा रहा है, लेकिन वहाँ तो वो नहीं बैठा ना, वो तो एनिमेटिक हाउस में बैठा है, तो एनिमेटिक हाउस मेष राशि में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, और वो मेष राशि पूर्व दिशा को दिखाता है, जन्म स्थान से पूर्व दिशा, तो जन्म स्थान से पूर्व दिशा यद्यपि वो शुक्र और बुध के लिए शत्रु हैं तो वो दोनों का तो फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहोगे, तो फिर हमें वो कर्म घर का नहीं देख के लाभ घर में चलना है कि कहाँ लाभ मिलेगा। कर्म घर अगर तुम देख रहे हो कि मैं कर्म करता हूँ तो ये समस्या है, माने क्या हो रहा है कि तुम मत करो, दूसरे का काम को यूटिलाइज करो। यहाँ टेक्नोलॉजी यही है कि खुद कुछ मत करो, बीच में टॉटल करो, क्योंकि यहाँ राहु और शनि भी अष्टम पे बैठ के तुम्हें इसको तो ये मतलब गुप्त तत्व, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान को सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, गुप्त धन को सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, यानी जो भी करोगे प्रच्छद करो, प्रच्छद मीन्स छुपा हुआ, लुक्कायित अवस्था में करो, यानी तुम सामने मत जाओ लेकिन दूसरे को गोटी सेटिंग करना, मतलब टेलरिंग वो कर रहा है, मार्केट वहाँ है, और इस दोनों को सेटिंग करके मार्केट को बढ़ाना है। अब इसमें क्या है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना, तुम ऑफिस लेके लैपटॉप लेके बैठे रहो, तुम्हारा मॉडलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, करो, ठीक है। शुक्र वहाँ है ना, तो शुक्र का और एक बेस्ट बिजनेस क्या बनता है, लाभ कहाँ से मिलता है अगर डायरेक्ट शुक्र से लेंगे, तुम्हारे जैसा कंडीशन सबके लिए नहीं, अगर वो पानी में बैठा होता तो मैं अलग बोलता, लेकिन आग में बैठा है, शुक्र आग में बैठा है, फायर हाउस में बैठा है, ऐसा बोलेंगे ना, तो नीचे फायर चाहिए मतलब क्या हुआ, ऊपर अच्छा अच्छा खाना चाहिए, तो क्या हो गया, तुम जो इतना अच्छा खाना बना लेते हो तो वो कौन दे रहा है, वो जो एनिमेटिक हाउस में शुक्र बैठा है यानी अपने शत्रु के घर में, दैट्स फायरी हाउस है, द एनवायरमेंट इज फायरी हाउस, एंड वहाँ शुक्र बैठा हुआ है, और बुध बोल रहा है कि शुक्र और इसमें के साथ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बिजनेस करो, बिजनेस का ग्रह बनता है बुध, तो तुम लाभ कहाँ से कमा रहे हो ना, फायर से, फूड से, ठीक है, गुड फूड से, और क्योंकि बुध बैठा है तो वो तुम्हारा जो ड्रेस डिजाइनिंग प्लानिंग, और उसको राजा है, राजा का बेटा है तो उसको तो वही सब चाहिए, तो ये तीनों तुम्हें लेके उस बिजनेस पे डाल के खड़ा कर रहे हैं कि द एनवायरमेंट इज फायरी, द कारका इज शुक्र, एंड द बेस्ट सपोर्ट इज बुध,
तो बुध बोलता है मैं राजपुत्र मेरे को अच्छा अच्छा ड्रेस डिजाइनिंग मॉडलिंग टिडिंग टिडिंग। शुक्र बोलता है मम 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 मम। मंगल बोलता है फायर फायर नीचे आग जलाओ खाना बनाओ फिर तुम मेरे लिए हो क्या क्या लेके आए इतना लिट्टी मिट्टी समोसा और ये। तो ये तुम्हारा ये दशम और एकादश का जो कर्म और लाभ का खेल है, लेकिन उसके पीछे उसका नुकसान करने के लिए तेरा बाप बैठा था सूर्य भगवान तेरा बाप चला गया ठीक है। तो अभी देखो तुमको क्या कर रहा है, नौकरी छुड़ा दिया और लाके तुम्हें बिजनेस का मेंटेलिटी दे रहा है। तुम्हारा पिताजी था तो बोल रहा था नौकरी करो ठीक है। तो उनका द्वादश, फिर द्वादश देखना पड़ता है कि उनका लॉस हाउस जहाँ सूर्य बैठा था पानी में सूर्य बैठा था, मीन राशि पानी का कारक है जल का कारक है, तो वहाँ बैठा था मंगल का घर को द्वादश भाव से नष्ट कर रहा था लॉस दे रहा था। तो जब फादर चला गया तो सूर्य का एनर्जी तुम्हारे हाथ पे आ गया। जब उसका कारक कोई अपने जीवन से चला जाता है तो वो एनर्जी का एक्टिवेशन खुद के हाथ में आ जाता है। तो तुम्हारे पास जो एनर्जी आया तो अभी तुम क्या बोल रहे हो, अच्छा वो तुम्हारा दशम सूर्य है तो बहुत बढ़िया है, दशम सूर्य राजनीति क्षेत्र पे भी दे सकता है, तुम्हें पॉलिटिकल सेट भी दे सकता है और तुम्हें बहुत ऊंचा भी उठाता है, एकदम सॉलिड है। 10th हाउस स्ट्रांग मीन्स बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट एंड सुपर बेस्ट पॉलिटिकल करियर। हाँ नॉट ओनली पॉलिटिकल करियर, ये तुम्हें डिप्लोमेसी भी देगा पॉलिटिक्स भी देगा, तुमको मान सम्मान बहुत ऊंचा भी उठाएगा। तो इट्स अ ग्रेट प्लैनेट, वो तुम्हें 10th हाउस के अंदर स्थान पे आके रहता है और वो है भी तुम्हारा फोर्थ लॉर्ड तो आके 10th पे बैठ रहा है, तो केंद्र का अधिपति केंद्र पे चला गया। तो क्या तो ये बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन तुम जैसे के लिए तो गुड वन एंड वेरी गुड, तो यू कैन स्टार्ट दिस। अब उसमें लेट करने का कोई कारण नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि अभी जो टाइम जोन चल रहा है, अभी अभी जैसे अभी शनि चालू है, अभी शनि का इधर ढैया चलेगा और उधर से बुध महादशा में शनि का अंतरदशा चलेगा, तो शनि शनि डबल शनि, तो जब डबल शनि तो ये देख लो हर एक स्टेप पे जाओ काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। तो सोचो एक टाइम पे मेरा अभी अलमारी अलमारी खोल के देख लो, छः छः बड़ा बड़ा डब्बा था जहाँ पर बंडल बंडल पैसा आता था, आप इसे झाड़ोगे ना तो अठाना भी नहीं निकला, 50 पैसा 25 पैसा का जो कॉइन है वो भी नहीं निकला ठीक है। तो वो तो डिस्टर्बेंस दे रहे, तो वो तो जोन आ रहा है डबल शनि का जोन आ रहा है, और फिर तुम्हारे कुंडली पे शनि इज पीड़ित विद ग्रह, तो उस फिर मंगल देख रहा है और मजा है, लग्न से मंगल अष्टम स्थान को भी देखेगा। तो तुमको कैसे कहूँगा कि तुम नौकरी करो, और नौकरी में सक्सेस कहाँ से हो जाओगे, नौकरी का कारक जो लॉर्ड है वो शनि को देख के नौकरी देखते हैं और गवर्नमेंट जब सूरज को देख के निकालते हैं। अच्छा। तो नो डाउट 10th हाउस सूर्य जी गवर्नमेंट जब तक दे सकता था, लेकिन देता तभी जब वो कहीं ना कहीं से एक शुभ ग्रह का दृष्ट होता तो ठीक है, तो वो तो वहाँ तक तो दृष्टि नहीं जा पा रहे है, और यदि भी जा रहे तो तुम्हारा बृहस्पति पीड़ित होकर बैठा है जिसके लिए मैरिज में भी डिले कर रहा है, केतु के साथ बृहस्पति गुरु चांडल बना के बैठे हैं तो गुरु बृहस्पति उतना कारकत्व तो नहीं दे पा रहा है। तो उसमें धन संपत्ति भूमि भवन वाहन और सुख के कारक लड़की के कुंडली में, विवाह के कारक संतान के कारक धन का कारक बृहस्पति जब पीड़ित हो गया तो तुम कैसे आशा कर सकते हो कि हाँ मैं एकदम 100% ओपन आउट होकर काम इन्वेस्ट कर लूँगा। तो मैं यही दिमाग तुम्हें दूंगा कि नो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बिजनेस, वो काम करेगा, वो सॉलिड काम देगा। अभी वैसे ही कुछ है। हाँ नहीं, क्योंकि बाहर तो तुम भद्र दिखाई दे रहे हो लेकिन अंदर तो बड़ा परम भद्र हो ठीक है, बाहर तो एकदम चश्मा वश्मा लगा के जेंटलमैन बढ़िया हूँ मैं, लेकिन अंदर तो तीनों बहन से तो तुम शायद ज़्यादा कूटनीतिज्ञ रहोगे, ज़्यादा षड्यंत्रकारी रहोगे, बीच में गेम खेल दिया और साइड में बैठ के देख रहे हो कौन क्या कर रहा है करो, लेकिन सारा चाबी तुम्हारे हाथ में रहेगा ठीक है। तो वो होना है, अच्छा उधर रश्मि भकुआ बनती होगी कि देखो मैं कर रही हूँ, लेकिन और अंदर का पूरा गेम तो तेरे हाथ में ठीक है, इधर उसको भड़का दिया और उसको उसके साथ लगा दिया। नहीं वो भड़काने वाला काम नहीं करती मैं। तुम थोड़ी भड़काओगे, तुम थोड़ी ना भड़काने वाले हो, वही तो तू एक्सेप्ट थोड़ी करेगी कि मैं भड़काती हूँ नहीं तो अभी वो है अभी तो उसके सामने तो नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा कुंडली कह रहा है कि तुम हो तो कूटनीतिज्ञ तो हो ही, षड्यंत्रकारी तो हो ही ठीक है, वो करोगे ही ठीक है, तो वो नेचुरल एनर्जी है। तो इसमें मैं यही कहूँगा
कि डोंट इन्वेस्ट इन हैवी मनी इन दिस सेक्टर। और जो ऋण पे भी पड़े हुए हो, रोग रिपूरण पे षष्ठ स्थान पे चंद्रमा बैठा है, तो रोग रिपूरण को कभी बहुत बढ़ाएगा कभी बहुत घटाएगा। चंद्रमा हमेशा फ्लैक्चुएट प्लैनेट है, और षष्ठ स्थान पे रोग को भी बढ़ाएगा, रिपू को भी बढ़ाएगा, ऋण को भी बढ़ाएगा, शत्रु को भी बढ़ाएगा। तो खरीदोगे शत्रु, पैसा लेके आओ मेरा दुश्मन बनो, ठीक है। अच्छा, उस चंद्रमा अगर षष्ठ स्थान पे पाप पीड़ित होकर बैठता तो बहुत बढ़िया था। अगर वो पापी बन के बैठता तो बढ़िया था, तुम्हें बचा लेता। लेकिन वो पुण्यात्मा, मतलब तुम कितना भी क्रूर हो, कितना भी कूटनीति हो, कितना भी षड्यंत्री कर रही हो, तुम्हारा मन तो पवित्र है, हृदय तो पवित्र है, तुम्हारा मन किसी का बुरा करना तो नहीं चाहता है, ठीक है। तो जिसके लिए तुम सक्सेस नहीं होते, तो डबल क्या हो गया अभी, एक तरफ तुम कूटनीति हो, एक तरफ तुम षड्यंत्रकारी हो, एक तरफ तुम, तुम्हारा जो जनरल टेक्स्ट बता रहा है कि असुरंशी हो, लेकिन मन आध्यात्मांशी है, ईश्वरंशी बनता है, सौम्यता है, पवित्रता है, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास को भी चाहते हो, एक तरफ व्यवसाय भी चाहते हो और एक तरफ स्टेबिलिटी भी चाहते हो। तो वो एक प्लैनेट तुम्हें जो सारा भारत घुमा रहा है, और एक प्लैनेट तुम्हारा अंदर का मन कहता है कहीं यहीं पर सेटल हो जाऊंगी, तो क्या हो रहा है, द्वंद्व नहीं हो रहा है क्या? एक तरफ मन कह रहा है कि मैं अपने बर्थलैंड पे ही सेटल करूं, लेकिन तुम्हारा एनर्जी ये चाह रहा है कि आज बनारस, कल रांची, परसों दिल्ली, परसों बम्बे, उसके बाद बेंगलोर, तुम्हें एक प्लैनेट घुमा रहा है और तुम्हारा अंदर का मन बोल रहा है कि यहाँ बैठे रहें और यहीं बैठे बैठे जो करना है। तो अब क्या करोगे बताओ, तो इस क्षेत्र में क्या होगा? अगर अभी यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और तुम्हारा एनर्जी तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले रहा है, बिजनेस क्षेत्र पे घुमा रहा है, हाँ, तो जन्मस्थान से अलग लेके घुमा रहा है, तो उस कंडीशन पे तुम जब ये निर्णय लोगे कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करके किसी जगह पे बैठ जाऊँ, तो तुम्हें तो मूवमेंट नहीं देगा, बिजनेस मूवमेंट नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा। तो जो है, जितना है, उसमें बिना इन्वेस्टमेंट में अगर कहीं से कोई व्यवसाय पे हाथ मार सकते हो तो मारो। तो जो एक्टिविटी, जैसे मेरे पास दुकान है, तो मेरे को तुम सेटिंग करते हो कि दुकान दे दीजिए, मेरे को जब पैसा आ जाएगा तो भाड़ा दे देंगे, तब तक भाड़ा बाकी रहेगा, और बाकी रह भी गया और नहीं दे पाई तो मेरे खाता पे डाल देना, कभी ना कभी दे देंगे। अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो ऐसे जो भी हैं, अभी जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर है, प्रिंटर है, अगर प्रिंटर नहीं है तो कहीं ना कहीं टिकड़म लगाओ कि कहीं से प्रिंटर मिल जाए, जो प्रिंटर चाह रहे हो, या लीजेंडरी जो भी बेसिक प्रिंटर्स हैं, छोटा छोटा प्रिंटर है, 4,000-5,000 में आ जाता है, तो उस प्रकार का लेके काम चालू करोगे। तो जो है, जितना है, जो ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, उतना को लेके बिजनेस को स्टार्ट करो। एक रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट जिसमें, अभी जैसे तुम दुकान में बैठोगे तो तुम्हारे, क्योंकि मॉडलिंग और डिजाइनिंग का खोलोगे और उसमें संजय पंडा वाला दुकान रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है? उसको रिनोवेट करना पड़ेगा। तो मेरे जैसे दुकान में क्या है, वो उधर फट गया, इधर टूट गया, इधर क्या करना है, ध्यान तो करना है, वीडियो बनाना है तो फ्लेक्स डाल देंगे पीछे से, हो गया मेरा वीडियो, मेरे को तो पूरा चारों तरफ तो फिल्म नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा बिजनेस के लिए तो तुम्हें एक तो पूरा सेटअप, हाँ, वो सेटअप चाहिए कि तुम उसको कलरिंग करोगे और छुपा छुपी करोगे, और कल दुकान छोड़ देगी, भाग गई, तो वो फिर बोलोगे कि मैं तो रंग दी थी, अभी इसमें यहीं सोऊं। तो वो इन्वेस्टमेंट तो बेसिक करना पड़ेगा। हाँ, तो वो कर सकते हो। तो मैं, मेरे पास ऑफिस बैठे, मेरा ऑफिस में कितना देर बैठना, कोई जातक देखने के लिए आ गया तो बैठ लिया, कोई और कुछ कर लिया, आके किसी का कुंडली दिखाना है देख लिया, किसी का कुछ और पूजा वूजा हवन कुंड इधर उधर मेरा चलते रहता है, तो तुम मेरा ऑफिस यूज कर सकते हो, अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेके, तेरा भी काम देख लिया, मेरा भी काम देख लिया। तो इस प्रकार का टाई अप हो गया अगर तुम अपना बिजनेस चलाते हो तो, अभी के लिए मीन्स अगला 2.5 साल, ठीक है। और फिर क्योंकि केतु का महादशा चलेगा, केतु इज नॉट अ बिजनेस प्लैनेट, ठीक है, और उसे बहुत ज़्यादा होप नहीं करोगे। हाँ, लेकिन एक बेनिफिट क्या होगा बताता हूँ, जब धन के स्थान पे केतु बाबा बैठते हैं, परिवार से विच्छेद कराएगा, परिवार को तोड़ेगा फोड़ेगा मुड़ेगा, धन से भी तोड़ेगा मुड़ेगा फोड़ेगा, और केतु, लेकिन केतु तुम्हें टॉप में भी पहुँचा सकता है। ये अगर तुम्हारे पास बेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का बहुत स्ट्रांग है, आध्यात्मिक प्लैनेट है ना, लेकिन पापी क्रूर भी है, तो विच्छेद तो कराएगा, लेकिन तुम्हें जो टॉप देगा वो नहीं कभी पा सकते। तो वो जो टॉप में पहुंचना है, ये कब पहुंचोगे, जब तुम अभी से उसके लिए प्रिपरेशन करो। मैं उसमें पूरा नेगेटिव नहीं कहूंगा कि केतु तुम्हें उठा के फेंक देगा, भसाड़ के एकदम नीचे फेंक देगा, नहीं,
मैं बहुत लोगों को देखा हूँ केतु के अंतर्दशा महादशा में पागल होते हुए भी देखा हूँ और बहुत टॉप में उठते हुए। केतु जो सडन प्लैनेट क्या करेगा ना, सट करके तुम्हें लाके दे देगा। लेकिन जो सट करके दे देगा क्या, वो सिम खुल जाए वाला चिमशिम खुल जाओ, ऐसा नहीं। तुम कर्म करते रहोगे तो देगा, तब देगा। तुम अपना दुकान चला रहे हो, स्टेबली बैठ रहे हो और तुम अपना मेहनत कर रहे हो और उसमें क्या होगा, इस एक तो बिजनेस तुम्हारे जैसे बिजनेस लाइन पे क्या होगा, कर रहे हो नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिप्रेशन पे जा रहे हो, मन काम नहीं दे रहा है, मन विचलित कर रहा है, फिर बोल रहे हो कि नहीं मेरा तो ठीक था जैसे घूम रहा था, फिर मन बोलेगा कि नौकरी कर लो। इस प्रकार का नेगेटिव थॉट्स भावना आएंगे, उन सबको समझा बुझा के जब स्टेबल करके रह जाओगे, सडन एक दिन देखना फ्रैक से अपॉर्चुनिटी आएगा, फ्रैक से ऊपर उठोगे। तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे प्लैनेटरी पोजिशन ये कह रहा है कि ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है, इस प्रकार के स्थिति में है प्लैनेट, मैंने एक तो पीड़ित नहीं है और एक तरफ से एनर्जेटिक भी है, बढ़िया पावर में भी है और कहीं ना कहीं से शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, यद्यपि वहाँ गुरु चांडाल मन भी रहा है, बहुत क्लोज कंजक्शन नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा खुद में डेवलपमेंट देगा। तो जब देगा तो उस समय अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो दोष किसका, यहाँ फिर ग्रहों को दोष नहीं दे सकते, मेरा भाग्य का दोष नहीं दे सकते, भाग्य का दोष देना मूर्खता हो जाएगा, खुद का मेहनत, ठीक है। तो वो तुम अगर निरंतर अभी आज, हमेशा मैं सारा हर आदमी को कहता हूँ कि आज जो स्थिति में हो, जितना पैसा है, जितना घर है, जमीन है, बाड़ी है, हस्बैंड है नहीं है, माँ बाप है नहीं है, और जो भी तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है, ये तुम्हारा लास्ट जितना दिन से जन्म हुई हो अभी तक का कर्म का फल है ना। तो ऐसा किस यहाँ पहुँची, अब आज से जब तुम जब अपने को ज्योतिष के पास आए हो और आज से अगर तुम अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो तो अगला टाइम पे तुम कुछ आ ही और रहोगे, और नहीं जैसा चल रहा है चलने दो, मुँह सिंगाणी तू सिंगाणी का यहाँ नाको पूछीवा, मतलब तेरा नाक से भी निकल रहा है, मेरे नाक से भी निकल रहा है, तो क्यों नाक पूछने लगे, तू मेरा चाट मैं तेरा चाट, रहो फिर जैसे को तैसे। हम लोग उड़िया में बोलते तू मुतरी मुँह मुतरी है सका पे दो ही बार मतलब दोनों खटिया में मुतने वाला दो लड़की एक खटिया में हॉस्टल पे सोती थी, ठीक है। तो मास्टर आके डेली पीटे, बोले धो गंदा है, तो ये बोले काहे धोना है, तुम भी रात को खटिया में उठती हो, हम भी रात को सुसु करते हैं, वहीं पे सो जाते हैं, तो जैसे ज्यों का त्यों रहो, जस का तस रहो, उसमें कोई डेवलप नहीं। तो ये मोटा मोटी यही कहना है कि बिजनेस को इस लेवल पे बढ़ाओ और कंटिन्यू चलाओ। नेगेटिव बहुत आएगा, ऑब्स्टकल्स बहुत आएगा, ऐसा भी समय आएगा कि जहाँ तुम्हें लगेगा कि और नहीं चलेगा, लेकिन उन सब ऑब्स्टकल्स के बावजूद भी अगर स्ट्रिक्ट एंड पूरा अपने लक्ष्य के धारा पे अगर रहते हो तो एक दिन देखना कि टॉप में रहोगे, ये तुम्हारा प्लैनेटरी पोजीशन का बात है। और बीच से छूट गया तो फिर तुमको लेके फेंकेगा कहीं,